अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हफ्ते में एक वीडियो करता हूँ, और पहले दो दिन जो है मैं यही सोचता हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसा फ्रेगरेंस लाऊं जो बजट फ्रेंडली हो। उस फ्रेगरेंस को मैं अपने पे अप्लाई करके तीन दिन तक उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अरोमा कैसी है, उसके नोट्स क्या है, आपके सामने आके बता सकूँ। मैं यही सोचता हूँ कि ऐसा फ्रेगरेंस आपको दूँ कि जब भी आप उसे अप्लाई करो आप अपने भाई को याद करो। और मैं यही चाहता हूँ कि आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि YouTube थोड़ा से और आगे रिकमेंड करे और हमारी जो फैमिली है वो बड़ी हो। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज का जो हमारा रिव्यू है वो अजमल के ऊपर है, और अजमल कोई नया ब्रांड नहीं है दोस्तों, एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड, यानी 1951 से ये इस्टेब्लिश्ड है। और इनकी मेन मोनोपोली जो है वो दहनल ऊद में है, यानी इंडियन ऊद में है, जो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड माना जाता है। और इनका ये खुद का ऊद है, यानी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद डिस्टिल करते हैं, खुद सप्लाई करते हैं, और इनके जो भी परफ्यूम्स हैं उनमें ये अपना खुद का इंडियन ऊद इस्तेमाल करते हैं। और ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। लगभग 5-6 साल से ये प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन में हैं, और आज भी ये इतने ही पॉपुलर है, इतने ही फेमस है, इनके फीडबैक इतने ही अच्छे हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने फीडबैक भी ऐसे दिए थे कि अभी जो है इनका परफॉर्मेंस जो है वो कम हो गया, इसलिए मैंने इसे अपने पे ट्राई करके फिर मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने इनके दो प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ, एक जो है वो अतर फॉर्म में है और एक जो है वो स्प्रे फॉर्म में है। और अजमल के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक इंडिया में अवेलेबल है और एक दुबई में है। यानी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में बनते हैं और इंडिया में ही मिलते हैं, अब ऐसे ही बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दुबई में बनते हैं और दुबई में ही मिलते हैं। लेकिन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अगर आपको इसे परचेस करना है तो इंडिया में अवेलेबल है, आप लिंक के थ्रू ये परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों इनके इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के बारे में, जो है इनका अतर, और इसका नाम है ऊद मुखल्लद। दोस्तों, एक प्यारी सी खूबसूरत सी बॉटल में आता है दोस्तों, और ये एक 6 ml की साइज़ में है। इसकी जो कीमत है वो है 2500 रुपीज़, लेकिन अभी ये ऑफर में है तो ये 2000 रुपीज़ में मिलेगा, यानी आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। और इसे अगर आपको फुल बॉटल परचेज नहीं करनी, आपको सैंपल ट्राई करना है, तो 1 ml का सैंपल भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 450 रुपीज़। अब जो है दोस्तों, बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। तो ये ऐसे बॉक्स में आता है, और सिंपल से बॉक्स में आगे ऊद मुखल्लद लिखा है, पीछे अजमल का मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन, और नीचे बारकोड है। ये एक हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स है, और ये बॉटल जो है क्रिस्टल बॉटल है, प्यारी सी खूबसूरत गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए अगर आप इसको आप देना चाहते हो तो आप ये दे सकते हो, और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है कलेक्शन में भी अगर आप रखना चाहते हो तो। ये बहुत ही प्यारी बॉटल है, ट्रेडिशनल ग्लास डिपटिक्स लिपस्टिक के साथ में आता है, इजी टू अप्लाई होता है, और फ्रेगरेंस भी इजीली इसमें आप स्टोर करके रख सकते हो। अब जो है दोस्तों परफॉर्मेंस की बात, तो इसे मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे 3 घंटे ये स्किन पर लास्ट करता है, और कपड़ों पर ये 10 घंटे प्लस लास्ट करता है। ये यूनिसेक्स ऑफरिंग है, यानी मेंस वुमेंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका है दोस्तों, जिससे जो मेरे डैड मेरे अब्बा यूज़ करते हैं, वो है ये कॉटन में दोस्तों। तो ये जो कॉटन है दोस्तों, इसमें अतर अप्लाई करके, और जैसे आप लिपस्टिक के थ्रू अप्लाई करते हो वैसे ही आप कॉटन से अप्लाई करना है, वही पल्स पॉइंट्स पे, हाथों की हथेली पे, कपड़ों पे, और फिर अप्लाई करने के बाद ये कान की जो हड्डी है वहाँ पे ये फिक्स कर देते थे। और जब भी ऐसा लगता था कि फ्रेगरेंस की अरोमा चली गई या नहीं आ रही, तो फिर से वो ये कॉटन निकाल के फिर से वही मॉइस्चर, क्योंकि कॉटन में जो अतर है वो हमेशा रहता है, स्टे रहता है, और इसमें सियाज जो है वो आप हमेशा मिलती है। यानी कि अगर कोई आपके आसपास से गुजरता है तो उसको इसकी सिया जाती है, यानी जो एक फ्रेगरेंस की जो अरोमा होती है जो हवा में आती है, वो कॉटन के थ्रू ज़्यादा देर तक रहती है। और ये तरीका जो है ये बेनिफिट भी करता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है अतर लगाने में, कि ऐसा होता है कि स्किन फटीक पे ऐसा होता है, पसीना भी आता है, बॉस की स्किन पे फ्रेगरेंस जो है कम लास्ट करती है, तो ये कॉटन के थ्रू आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसके अरोमा के बारे में। तो ये जो है दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत सा ऊद बेस्ड मुखल्लद है। सबसे पहले मुखल्लद बता दूँ, मुखल्लद एक मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स होता है, यानी बेस में एक मेन इंग्रेडिएंट को रख के टॉप और मिडल में फ्लोरल एलिमेंट्स या मस्की एलिमेंट्स को रखते हैं, और उसके बेस पे परफ्यूम बनाते हैं। और इसमें रियल नेचुरल ऊद का इस्तेमाल हुआ है बेस में, और इसका जो टॉप नोट्स है वो है फ्लोरल और स्पाइसी। फ्लोरल और स्पाइसी यानी कि इसमें आपको एक सैफ्रन का नोट मिलता है, इसमें हमारे इंडियन स्पाइसेस के नोट मिलते हैं, और इसमें जो है आपको वो रोज़ की खुशबू मिलती है। अगर मैं रिजेंबल्स करूँ तो आपने अगर स्वीट सुपारी जो होती है, हमारी मीठी सुपारी जो होती है जो पान शॉप में मिलती है, तो उसमें आपको वो रोज़ की और वो
सैफ्रॉन की जो एक मिठास होती है वो इसमें आपको टॉप में मिलती है। अगर हम एक स्वीट डिश जैसे हम कहते हैं जर्दा, उसमें हम ना रोज़ वाटर केवड़ा का इस्तेमाल करते हैं, हम सैफ्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो एक मीठी खुशबू आती है एडिक्टिव सी, वो इसके टॉप में आती है। जब ये थोड़ा सेटल होता है तो इसमें आपको एक फ्रूटी और मस्की खुशबू आती है जो फ्रूट्स से आती है, खट्टी खुशबू आती है। और जब ये पूरा बेस में जाता है जो इसका फाइनल स्टेज है, तब ये फ्रेग्रेंस चेंज होता है आपको एक मस्की वॉर्म और वुडी अरोमा में जो इंडियन ओट से आती है, जो बहुत ही प्यारी लगती है, एडिक्टिव लगती है। और यही इसकी एक खास बात है दोस्तों, सर्दियों में ये एक वॉर्म फैक्टर देता है जो सबको पसंद आती है। और ये फ्रेग्रेंस को इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया दोस्तों, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप एक ऊद लवर हो या आप ऊद में जाना चाहते हो या आपको एक ऊद की खुशबू लेकिन वो लाइट खुशबू चाहिए, तो ये उनके लिए बेस्ट है। अब दूसरा जो फ्रेग्रेंस है जो इनका दुबई बेस्ड यानी दुबई में मैन्युफैक्चर हुआ हुआ फ्रेग्रेंस है, उसका नाम है मुखालत अलशम। सबसे पहले मैं आपको इसके बॉक्स और प्रेजेंटेशन दिखा दूँ। तो ये ऐसे बॉक्स में आता है दोस्तों, सिंपल सा परफ्यूम बॉक्स है और आगे इनका मुखालत अलशम्स लिखा है, नीचे इनका मैन्युफैक्चरिंग डेट मेड इन यूएई। और अलशम्स का जो मतलब होता है अरबिक में वो होता है सन, तो वैसे ही आप देख सकते हो कि बॉटल का शेप भी इन्होंने वैसे ही रखा है। और कैप लाइट कैप है, प्लास्टिक का कैप है, लेकिन जो ऑटोमाइजर है वो जूस एकदम बराबर से फ्लो देता है। और ये फुल बॉटल जो है वो 50 ml की आती है। इसकी जो कॉस्ट है इंडिया में वो है 4,850 rupees। अब इसे भी हम डिकैन करेंगे दोस्तों, आपको ये 5 ml का डिकैन करके फिल करके मिलेगा, हाई क्वालिटी बॉटल है। इसकी कीमत जो है वो है 850 rupees। अब इसकी फ्रेग्रेंस की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें एक इंडियन ऊद का नोट है, 85% इसमें अल्कोहल है, 15% परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। मेन अकॉर्ड्स में ऊद, वुड, एम्बर, एनिमलिक, पाउडरी और थोड़ी फ्लोरल खुशबू है। टॉप में इन्होंने फ्लोरल और वुडी नोट्स रखे हैं जो रोज़ और सैंडलवुड से आते हैं, और वुडी नोट्स जो है वो इंडियन ऊद से आते हैं। जब आप पहला स्प्रे करोगे 10 मिनट के बाद जो है इसका एक्चुअल में आपको इसका मैजिक समझ में आएगा। वीडियो में आपको मैं इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुद लगाओगे तब आपको इसका एक्चुअल फीलिंग और इसका जो ऊद का मज़ा है वो आपको मालूम पड़ेगा। और ये हार्ट नोट्स जो है इसमें आपको वुडी स्पाइसी नोट्स मिलते हैं जो इंडियन स्पाइसेस से आते हैं। इसमें भी इन्होंने स्पाइसेस के नोट्स रखे, साथ में इंडियन ऊद का वो लेदरी इंसेंसी नोट रखा है। और जो बेस नोट है वो है मस्की और वुडी, और मस्की नोट जो है दोस्तों इसमें एम्बर से आती है, जिन्हें एम्बर ग्रीस से आती है ऊद के साथ में। और इंडियन ऊद जो है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल ही आपको बार्नियर्ड स्मेल नहीं देता, बल्कि आपको लेदरी, आपको वुडी, वो इंसेंसी नोट यानी वो रेजिनस नोट जो होती है जो ऊद में आनी चाहिए, आफ्टर बर्निंग अगर आप ऊद जलाते हो जो आफ्टर बर्निंग इफेक्ट होता है ऊद का, वो इसमें आपको मिलती है। और उसी वजह से ये परफ्यूम इतनी पॉपुलर है, इतनी फेमस है, जो सबको पसंद आती है। फर्स्ट टाइम ऊद लवर्स भी ये ट्राई कर सकते हैं, उनको ये ज़बरदस्त लगेंगे। स्टार्टिंग का आप 10 से 20 मिनट तक इसकी फ्रेग्रेंस को सेटल होने दीजिए, फिर उसके बाद इसका परफॉर्मेंस, इसकी जो अरोमा है वो अपना काम करती है। एक पूरा नेचुरल ऊद से बना हुआ फ्रेग्रेंस है दोस्तों, और गारंटी से बोलता हूँ अगर ये फ्रेग्रेंस कोई और नीच ब्रांड बनाता तो 10 से 15 हज़ार में ये सेल होता। और ये फ्रेग्रेंस अजमल ने अभी भी वही प्राइस में रखा है जो ये 5 साल पहले था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा रिव्यू अजमल के दो पॉपुलर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो एक ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है ऊपर, और मुझे जो ओपिनियन, मुझे जो लगा इस फ्रेग्रेंस के ऊपर मैंने आपको शेयर किया। जब आप ये फ्रेग्रेंस ट्राई करो तो आप भी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स करके कि आपको ये फ्रेग्रेंस कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशबू फैलाते रहिए और अपनी भाई की वीडियो आगे बढ़ाते रहिए। स्टे सेफ और अल्लाह हाफिज़।